दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। हाल ही में दाना तूफान के कारण हुई बारिश और बादल का दौर अब समाप्त हो गया है। बुधवार 30 अक्टूबर को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि मौसम में इस बदलाव के साथ साथ यूपी के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को यूपी के दोनों हिस्सों में बारिश की कोई संभावना नहीं है और यहां मौसम शुष्क रहेगा। 31 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन भी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। 1 नवंबर को भी मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण का यह स्तर खासकर दिवाली के समय और भी अधिक चिंता का कारण बन सकता है। इस समय लोग पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वायु गुणवत्ता को और भी खराब कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी हवाओं में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, लेकिन फिलहाल 2 नवंबर तक यूपी के मौसम पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। यह स्थिति उन लोगों के लिए अच्छी है जो सर्दियों के मौसम की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दिवाली से पहले यूपी के कई जिलों की हवा जहरीली हो गई है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 और गाजियाबाद में AQI का लेबल 255 रिकॉर्ड किया गया। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। हालांकि कुछ जिले अब भी ग्रीन जोन में हैं, जैसे कि वाराणसी, जहां AQI का स्तर 83 रहा। राजधानी लखनऊ में भी हवा की गुणवत्ता सामान्य रही, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में AQI का स्तर 278 के करीब रहा, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में लोगों को बाहर निकलने में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां प्रदूषण का स्तर अधिक है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में सबसे कम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मेरठ में 19.1, निजामाबाद में 20.0 और बरेली में भी न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रहा। बहराइच में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस समय के लिए अपेक्षाकृत अधिक है। दिवाली से पहले यूपी में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां बारिश का दौर खत्म हो चुका है और मौसम साफ हो गया है। हालांकि प्रदूषण का बढ़ता स्तर और एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक स्थिति लोगों के लिए चिंता का विषय है। इस समय सर्दियों की शुरुआत और तापमान में स्थिरता का अनुभव हो रहा है, लेकिन लोगों को प्रदूषण से बचाव के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। दिवाली के अवसर पर जब लोग पटाखों का उपयोग करेंगे, तब वायु गुणवत्ता में और गिरावट की आशंका है। इसीलिए सावधानी और जागरूकता से ही हम इस मौसम में सुरक्षित रह सकते हैं।